दोस्तों, टीवी इंडस्ट्री में आपने कई ऐसी अभिनेत्री देखी होंगी जो अपने अलग अलग अंदाज के लिए जानी जाती हैं, जैसे कि कोई अपना एक्टिंग करने के लिए, तो कोई अपनी क्यूटनेस के लिए, तो कोई अपनी कॉमेडी के लिए जानी जाती हैं। और इनके इसी अलग अलग अंदाज की वजह से दर्शक इन्हें काफी पसंद करते हैं। लेकिन दोस्तों, वही कुछ ऐसी अभिनेत्रियां हैं जो अपनी बचकानी हरकतों के लिए जानी जाती हैं, और अपनी उन्हीं बचकानी हरकतों की वजह से वो एक्ट्रेस काफी ज्यादा मशहूर हुई हैं। तो इसीलिए आज की हमारी इस वीडियो में हम आपको टीवी इंडस्ट्री उन टॉप 10 अभिनेत्रियों से रूबरू कराने वाले हैं जो अपनी बचकानी हरकतों से फेमस हुई हैं। तो आइए जानते हैं। नंबर 1, मधुरिमा तुली। टीवी इंडस्ट्री की खूबसूरत अभिनेत्री मधुरिमा तुली बिग बॉस के सीजन 13 में अपनी बेवकूफी और कॉमेडी की वजह से काफी ज्यादा फेमस हो गई थी। इनकी बेवकूफी ये थी कि इन्होंने विशाल आदित्य सिंह को फ्राई पैन से पीटा था, और इनकी इस बेवकूफी और इनकी कॉमेडी को देखकर दर्शक तो हंस हंस के पागल ही हो गए थे। इस सीन के बाद तो मधुरिमा तुली काफी ज्यादा फेमस हो गई थी। नंबर 2 पर है अनुष्का सेन। टीवी इंडस्ट्री की टैलेंटेड अभिनेत्री अनुष्का सेन खतरों के खिलाड़ी के सीजन 11 में सबसे यंग कंटेस्टेंट रही थी, और इस शो के दौरान ये अपने बचपने वाली क्यूटनेस के साथ साथ अपनी क्यूट स्माइल और अपने शरारत की वजह से काफी ज्यादा फेमस हो गई थी। नंबर 3 पर है अर्शी खान। टीवी इंडस्ट्री की खूबसूरत अभिनेत्री अर्शी खान बिग बॉस सीजन 11 में नजर आई थी। वहीं आपको बता दें कि इस शो में अपनी उटपटांग बातें, उल्टी सीधी शरारत और अपनी हरकतों की वजह से ये काफी ज्यादा फेमस हो गई थी। शो के अंदर ये सबसे पंगा लेती थी। वहीं इनकी इस बचकानी हरकतों को दर्शकों ने बेहद पसंद किया था, जिसकी वजह से ये अर्शी खान अपनी बचकानी हरकतों की वजह से काफी ज्यादा फेमस हो गई। नंबर 4 पर है निया शर्मा। टीवी इंडस्ट्री की खूबसूरत अदाकारा निया शर्मा अपनी फोटो शूट और वीडियोस के लिए काफी ज्यादा फेमस है। आए दिन ये सोशल मीडिया पर अजीबोगरीब फोटोज वायरल करती रहती हैं, जिसमें ये बेहद ही बोल्ड और फैशनेबल नजर आती हैं। साथ ही अपने अश्लील वीडियोस की वजह से भी ये काफी ज्यादा फेमस है। नंबर 5 पर है सनाया ईरानी। इस प्यार को क्या नाम दूं सीरियल में मशहूर हुई अभिनेत्री सनाया ईरानी इस सीरियल में खुशी गुप्ता के किरदार में नजर आई थी, जिसमें इनकी एक्टिंग और इनकी शरारत के साथ साथ इनके चुलबुले अंदाज को दर्शकों ने काफी ज्यादा पसंद किया था। साथ ही अपने सीरियल में हमेशा बकबक करती हुई नजर आती थी, और इनका यही बोलने का अंदाज और इनके शरारती और चुलबुले अंदाज को दर्शकों ने काफी पसंद किया था। साथ ही ये अपनी इसी बचकानी हरकत की वजह से काफी ज्यादा फेमस भी हो गई थी। नंबर 6 पर है सुरभि चंदना। टीवी इंडस्ट्री की बेहतरीन अदाकारा सुरभि चंदना नागिन के सीजन 5 बानी सिंघानिया के किरदार में नजर आई थी, जिसमें इनके नटखट और इनके कॉमेडी अंदाज को दर्शकों ने काफी पसंद किया था। इस तरह सुरभि चंदना अपनी कॉमेडी की वजह से काफी ज्यादा फेमस हो गई थी। नंबर 7 पर है रुबीना दिलाइक। रुबीना दिलाइक बिग बॉस के सीजन 14 की विनर रह चुकी हैं। साथ ही इन्होंने इस शो के दौरान अपनी मासूमियत और अपने भोलेपन से सभी को दीवाना बना दिया था। वहीं इस शो में ये किसी से पंगे भी नहीं लेती थी। साथ ही ये इस शो में हमेशा सच्चाई की बात बोलती थी। वहीं इनकी मासूमियत को देखकर दर्शकों ने काफी पसंद किया था, जिसके चलते ये इस शो के बाद अपनी मासूमियत के लिए काफी ज्यादा फेमस हो गई थी। जैस्मीन भसीन। टीवी इंडस्ट्री की टैलेंटेड अभिनेत्री जैस्मीन भसीन खतरों के खिलाड़ी में नजर आई थी, जिसमें ये उल्टी सीधी हरकत करती थी, और जब इन्हें टास्क दिया जाता था तो ये बच्चों की तरह रोने लगती थी कि मुझे टास्क नहीं करना है। साथ ही ये बच्चों की तरह कमेंट पास करने लगती थी। इस तरह से अपनी नौटंकी और कमेंट्री पास करने की वजह से काफी ज्यादा फेमस हो गई थी। नंबर 9 पर है शहनाज गिल। बिग बॉस के अब तक के सभी सीजन में से बिग बॉस का सीजन 13 सबसे बेस्ट सीजन रहा है, क्योंकि इसमें हमें सिड नाज की जोड़ी देखने को मिली थी, जिसमें शहनाज गिल अपनी बचकानी हरकतों की वजह से काफी ज्यादा फेमस हो गई थी।
क्योंकि ये इसमें बच्चों की तरह कपड़े पहनने के साथ साथ बच्चों की तरह ही हरकत किया करती थी, साथ ही बच्चों की तरह बोलती भी थी और हर किसी से पंगा लेती थी। इस शो के बाद ये अपनी इन्हीं बचकानी हरकतों की वजह से काफी ज्यादा फेमस हो गई। नंबर 10 पर है तेजस्वी प्रकाश। खतरों के खिलाड़ी में तेजस्वी प्रकाश कभी इनोसेंट और कभी ना समझ नजर आती थी, साथ ही इसमें ये हमेशा कमेंट पास करती हुई या तो कभी खुद का भी मजाक उड़ाती हुई नजर आती थी, साथ ही बाकी कंटेस्टेंट भी इनके साथ प्रैंक करते थे और ये बच्चों जैसी नौटंकी और ड्रामा किया करती थी, जिसकी वजह से ये शो के बाद भी अपने नौटंकी के लिए काफी फेमस हो गई थी। तो दोस्तों, आपको इन अभिनेत्रियों में से किसकी बचकानी हरकत सबसे ज्यादा अच्छी लगी, आप हमें अपनी राय कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही टीवी इंडस्ट्री से जुड़ी ऐसी ही इंटरेस्टिंग और दिलचस्प खबरों को जानने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।